दिल्ली तुझे हुआ क्या, इस सैलाब की दवा क्या। अपनी आंखों को टीवी स्क्रीन पर गड़ा कर देखिए, क्या ये वही दिल्ली है जो न कभी रुकती है न कभी थकती है, बस चलती ही जाती है। क्या ये वही दिल्ली है जो देश की राजधानी है, जहां से देश के विकास की कहानी गढ़ी जाती है, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आज की दिल्ली को देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। कहना गलत नहीं होगा कि ऐतिहासिक दिल्ली में बाढ़ ने नया इतिहास रच दिया है। दिल्ली के वो इलाके जो देश की सांस्कृतिक विरासतों में शुमार हैं, जिन्हें देखने दुनिया भर से टूरिस्ट यहां आते हैं, आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। यमुना जब उफान पर आई तो दिल्ली को दहला कर रख दिया। यमुना के पानी ने दिल्ली वालों को रुला कर रख दिया। इस उफनते सैलाब को देखिए, ये दिल्ली के जिस इलाके में भी गया वहां जिंदगी को बेबस और लाचार बना दिया। दिल्ली का ये लाल किला देखिए, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारों पर पानी ने पहरा बिठा दिया है, चारों ओर से सैलाब में से घेर लिया है। जिसके आसपास लोग घूमने अच्छा वक्त बिताने आते थे, वहां अब जिंदगी थम गई। हमेशा गुलजार रहने वाला रिंग रोड सूना पड़ा है। इक्का दुक्का जो गाड़ियां दिख भी रही हैं, तो सैलाब ने उनमें बैक गियर लगाने को मजबूर कर दिया है। लाल किले के आसपास यमुना का पानी इस कदर दाखिल हुआ कि नजारा किसी नदी जैसा दिखाई देने लगा। घरों के बाहर घुटनों से ऊपर तक पानी है, गाड़ियां लगभग पूरी तरह डूबी हुई हैं। सैलाब ने सिस्टम की कमर तोड़कर रख दी है। जिंदगी ऐसे गुजर रही है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। दिल्ली के ITO इलाके की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें देखिए। राजधानी का पॉश इलाका पानी के प्रहार से जार जार हो गया है। सड़कों पर ऐसे गाड़ियां चल रही हैं जैसे नदी में नाव तैरती है। दिल्ली की इस हालत की जिम्मेदार यमुना को ठहराया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने उफान ला दिया, यमुना को खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा दिया। अंग्रेजों के जमाने का लोहा पुल तक बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है। दिल्ली का कश्मीरी गेट इलाका हो या फिर राजघाट, सैलाब की मार हर ओर नजर आ रही है। देखिए, बापू के समाधि स्थल के आसपास तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दिल्ली के हालात बताने के लिए काफी हैं कि अभी तुरंत इससे निजात नहीं मिलने वाली। ऊपर से बारिश ने एक बार फिर दिल्ली की परेशानी को बढ़ाने का काम किया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP News पर।